हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेकअप एंड लिपस्टिक शेड्स की टिप्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो पे बताया था, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेकअप एंड लिपस्टिक में आप कौन सी गलती ना करें जिससे आपका लुक कभी भी खराब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू माई चैनल खाबी फैशन। एंड आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप वेडिंग में जाते हैं तो कैसे तैयार होना है, किस तरह से मेकअप करना है कि जिससे आपका लुक जो है वो ओवर मेकअप भी ना दिखे, कि कपड़े वगैरह सब दिखने चाहिए, तो साथ में आपका जो मेकअप है वो हाईलाइट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना बहुत बुरा लगता है। और आजकल नया जो आई लैशेस का स्टाइल आया है तो उसमें आपको बड़ी बड़ी आई लैशेस नहीं लगानी है वरना बहुत ही आपका लुक पूरा जो है वो बिगड़ जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। फिर सबसे पहले आप वही करते हो कि कपड़े पहनने के बाद सबसे पहले स्किन पे मेकअप लगाते हैं, लिपस्टिक वगैरह बाद में आता है सबसे आखिर में। तो मेकअप में आपको चूज करना है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मेकअप के ध्यान देना पड़ेगा। मेकअप का पूरा लुक जो है वो आपको फिनिशिंग में लाने के लिए जो कॉम्पैक्ट आता है तो पाउडर कॉम्पैक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इससे आपका जो ऑयल है वो ऑब्जर्व कर लेगा जो कॉम्पैक्ट है वो। तो अच्छी कंपनी का कोई भी आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हो। तो उसके बेस के लिए आपको पहले कोई भी क्रीम आपको लगानी है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो कम पैसों में भी जो भी क्रीम आती है, फेयर एंड लवली है या कोई भी, विको हो गया, तो वो ट्यूब आपको पहले अप्लाई करना है। फेस को अच्छी तरह के धोने के बाद आप वो क्रीम लगा लीजिए, फिर उस पर आप कॉम्पैक्ट लगा लीजिए, तो वो पूरा आपको जो मैट फिनिश जो लुक आता है वैसा ही लुक आपको मिलेगा। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं, ये ट्यूब वो ट्यूब, पता है ना, लेयर में मेकअप हो गया है। एक लेयर किया फिर उसके ऊपर फिर से काला वाला लेयर किया, तो ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी सिंपल सी आप ट्यूब ले लीजिए क्रीम और उसके ऊपर आपको कॉम्पैक्ट लगा देना है, तो वो पूरा जो मेकअप है वो आपका फिनिशिंग टच आ जाएगा। और मेकअप का जो है फाउंडेशन मैंने आपको कॉम्पैक्ट बताया, तो कॉम्पैक्ट का सिलेक्शन आपको अपनी स्किन के अनुसार करना है कि अगर आपकी स्किन बहुत गोरी है, आप गोरे हो तो उस हिसाब से आपको कॉम्पैक्ट लेना है। अगर आप बीच के हैं, गोरे भी नहीं और बहुत सांवले भी नहीं, गेहुआ रंग के, तो उस तरह का आपको कॉम्पैक्ट सिलेक्ट करना है। और अगर आप बहुत ब्लैक हो तो उसके ऊपर भी आपको मैचिंग शेड का कोई भी कॉम्पैक्ट मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आपको लेना है। अगर आपको उसमें सिलेक्शन अच्छा नहीं करोगे, अगर आप ब्लैक हो और वाइट कॉम्पैक्ट लगाओगे तो फिर आप इमेज में देख रहे हो वैसे आप लगोगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि ओवर कॉम्पैक्ट भी ना हो, अगर फिर आपने मुंह पे आटा थोप लिया होगा ना वैसा दिखेगा लुक। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है बट लिमिट में करनी है। और गर्दन पे भी आपको ये करना है क्योंकि फिर गर्दन काली दिखेगी और मुंह ही वाइट दिखेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्पैक्ट आपको कान है, गर्दन है, तो वो एरिया भी आपको कवर करना रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो तो मेकअप आपको इस टाइप कर करना है कि लाइट मेकअप करना है, तो इस पर आपका जो चेहरा का ग्लो है वो भी आएगा। और कपड़े के साथ, सभी कपड़ों के साथ ये जो मेकअप्स लुक आप देख रहे हो इमेज में वो सब के साथ सूट भी होगा। और ये आजकल नेचुरल मेकअप का ट्रेंड है, तो इस हिसाब से आपको मेकअप करना है। फिर मेकअप तो हो गया, अब बारी आती है आईलाइन की। तो सबसे पहले आपको आईलाइन ही करना है। तो आईलाइन में सिर्फ आप वन स्ट्रोक करोगे तो भी अच्छा लगेगा आजकल, वरना क्या है एड्स में सब देखते हैं कि दिखाते हैं बहुत सारे जो आईलाइन है वो मोटी कर देते हैं, तो बहुत मोटी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं करनी है कि जैसे कि दिखे भी ना कि आपने आईलाइन किया है। तो बीच की आपको वन या टू स्ट्रोक देना है तो आईलाइन का फिनिश आ जाएगा। और आपको वैसा भी नहीं है, आईलाइन किया तो आपको नीचे काजल करनी ही पड़ेगी। अगर आप काजल ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि काजल से क्या होता है कि
और फिर चेहरा काला काला दिखने लगता है। तो आपको नेचुरल मेकअप का लुक लाने के लिए सिर्फ आईलाइनर ही करना है। काजल आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर आपको काजल करनी हो तो आप इमेज में देख सकते हो, और पूरा काजल नहीं करना है, आंख के जो कोना है वहां तक काजल नहीं करना है, एंड से शुरू करके आधी आंख पे ही आप काजल कीजिए। और फिर आखिर में बारी आती है जो लिपस्टिक की है। तो लिपस्टिक आपको कौन सी करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी किसी की आप शादी में गए हो तो अपने कपड़े के मैचिंग से ज्यादा आपके स्किन के टाइप के हिसाब से आप अगर लिपस्टिक चूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी। तो आजकल ट्रेंडिंग में है कि जो न्यूड शेड आता है तो न्यूड शेड भी आप कर सकते हो। अगर क्लोथ आपके है वो बहुत हैवी नहीं है, प्लेन क्लोथ है, तो इस पे आप रेड लिपस्टिक का भी इस्तेमाल करोगे तो पूरा जो लुक है वो फिनिश दिखेगा। फिर आपको लिपस्टिक अप्लाई कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको जो लिप पे लिप लाइनर आता है वो ज्यादातर आपको लाइट शेड का ही यूज करना है। तो आपकी जो एक आपने लिप लाइनर ली होगी तो सभी लिपस्टिक के शेड्स के साथ मैचिंग हो जाएगी, क्योंकि लिप लाइनर आप अप्लाई करोगे तो इसके ऊपर तो फिर कोई भी मैट लिपस्टिक आ जाएगी, तो लिप लाइनर तो दिखने वाला ही नहीं है। बट ये लिप लाइनर आप अप्लाई करोगे तो जो लिपस्टिक है वो बाहर नहीं जाएगी। तो इसके लिए आपको पहले आउटलाइन बना देना है। तो होठ पे अगर आप आउटलाइन बना दोगे तो वो फिर आप लिपस्टिक करोगे तो पूरा फिनिश लुक आएगा। तो इसके लिए लिप लाइनर है वो बहुत जरूरी है, और स्किन टाइप के हिसाब से आपको लिपस्टिक चूज करना है। अगर आप गेहूं ये रंग के हो तो ये आपको जो न्यूड शेड आता है वो भी अच्छा लगेगा, पिंक टाइप है वो अच्छा लगेगा। एंड अगर आप बहुत गोरे हो तो भी आपको ऐसा नहीं है कि डार्क शेड ही अच्छा लगेगा, गोरे हो और आपके वेडिंग के कपड़े कुछ इस तरह के हैं तो इसमें आप न्यूड शेड का भी इस्तेमाल कर सकोगे। आप ये तमन्ना वाली फोटो में देख सकते हो कि वो कितना अच्छा लुक लग रहा है, न्यूड शेड इसने इस्तेमाल किया है। तो साड़ी पे है या कोई चोली हो गया, डायमंड का नेकलेस है तो इस पे न्यूड शेड है, तो न्यूड शेड में क्या आपका मेकअप हाईलाइट नहीं होगा और पूरा कपड़े के साथ मैचिंग हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले बात आती है कि मेकअप वगैरह तब अच्छा लगेगा जब आपने अच्छी आईब्रो की होगी, अपर लिप्स है। फिर लिपस्टिक में क्या कि आपने लिप्स के साथ साथ आपके दांत जो है वो भी अच्छे दिखने चाहिए, तो दांत है वो वाइट होने चाहिए आपके, तो अच्छे से क्लीन करने के बाद ही आप लिपस्टिक अप्लाई कीजिएगा तो ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने आपको जो शेड्स दिखाए हैं और कौन से कपड़े के ऊपर अच्छा लगेगा, तो आप फोटोज में देख सकते हो कि झुमके के साथ कुर्ती के ऊपर शरारा है, फिर लहंगा चोली है, वर्क वाली कुर्ती है, तो इसके हिसाब से आपको तैयार होना है, तो आपका जो पूरा लुक है वो एकदम फिनिश्ड लुक आएगा। और इसके साथ ही आगे आपको कौन सी हेयर स्टाइल कब लेनी है, कौन से कपड़े के साथ कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, तो ये वीडियो को देखने के लिए मेरा जो अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जल्दी से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और ऐसे नए नए वीडियोस आप मिस ना करो तो उसके लिए जो बेल आइकन है वो जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।